या जो हम जितने भी लोग आए हुए, इसका मकसद ये है कि हम कुछ सोसाइटी को गिव बैक करें, क्योंकि आई थिंक ये हर इंसान का फ़र्ज़ होना चाहिए या फ़र्ज़ है कि वो कुछ ना कुछ अपने वक्त में से, अपने माल में से और अपनी एफर्ट्स में से सोसाइटी को वापस दे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो हमने सोचा कि हम कुछ अपना वक्त निकाल के संडे के दिन बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करें और जो हमें थोड़ा बहुत आता है हम उनके साथ शेयर करें, उनको सिखाएं। और ये जो कम्युनिटी है स्पेशली, ये अंडर प्रिविलेज है, इनके पास लोग जाते नहीं हैं, ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं सीखते हैं, इन लोगों के पास ना आता है कोई और ना ये कहीं जा सकते हैं, ये अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो इन पे हमने काम करने का सोचा। तो इम्तियाज़ नकवी साहब के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है और हम 10-15 लड़के लड़कियाँ हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हर हफ्ते संडे के दिन 4 से 6 बजे हम लोग यहाँ पर आते हैं और इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो दैट्स आर गोल, दैट्स आर मोटो, और हमारी ख्वाहिश है कि लोग और हमारे साथ आएँ और इस मकसद को अपना मकसद बना के इसको और दूसरे स्लम्स एरिया में, ऐसी कम्युनिटीज़ में जहाँ पे अब ज़रूरत है एजुकेशन की, वहाँ पे भी ये एक्टिविटीज़ करवाएं। अब आप, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कुछ नया बताएं इस स्ट्रीट स्कूल के बारे में। अच्छा, मैं आपकी तरह तवज्जो जो एक चीज़ की तरह मरकूज करना चाहता हूँ। देखिए, कराची में 2 हफ्ते पहले एक बच्चा वायरल हुआ था जाहिद के नाम से, तो वो अब लोगों की तवज्जो जो है ना बच्चों की तरफ गई, उनकी एजुकेशन की तरफ गई। आपको पता है कराची के अंदर सिंध गवर्नमेंट एक्ट के तहत सिंध गवर्नमेंट का एक बाकायदा कच्ची आबादी कंट्रोल अथॉरिटी है और उनके पास, उनकी रिकॉर्ड के मुताबिक कराची में 550 से ज़्यादा कच्ची आबादी है और उन कच्ची आबादियों में हज़ारों बच्चे हैं। तो उस बच्चे की तरफ उस बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा हम उसको स्पॉन्सर करेंगे, उनको एजुकेशन देंगे। तो यहाँ पे भी तो आए, यहाँ पे भी तो इतने सारे बच्चे हैं, 550 कच्ची आबादी है। अगर आपको नहीं पता, मैं आपको हज़ारों नाम ले सकता हूँ कराची के, बहुत सारे इलाके ऐसे, कहीं भी आप गुजरेंगे ना तो आपको कहीं बच्चे झुग्गी आपको नज़र आ जाएगी। तो उनके भी तो काम होना चाहिए, उनको भी तो एजुकेशन देनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट का आपको पता है पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ, लॉ ये है कि इंटर तक की एजुकेशन फ्री है, लेकिन क्या इंटर जो हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल है उसका कोई हाल है? कोई अपना बच्चे को भेजेगा? हत्या के जो सेनेट में बैठे हुए जो वो लोग जो के कहते हैं कि एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए बच्चों को, वो अपने बच्चों को तो उन स्कूल में भेजते ही नहीं है और दूसरों को बोल रहे हैं, गरीब बच्चों को बोल रहे हैं कि आप उन स्कूल में आए, उन स्कूलों को स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड भी नहीं है। तो आप ये देखें कि ना उनको एजुकेशन कौन देगा? यहाँ पे ये बच्चे जो है आपको पता है दूसरे लोग यहाँ पे आते हैं, वो उनको अपनी ड्रग स्मगलिंग के लिए, पता नहीं इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं, उनको इनका चाइल्ड एब्यूज़ का शिकार करते हैं। तो उनको कौन बचाएगा, उनकी कौन प्रोटेक्शन करेगा? अगर आप लोग, हम लोग मिलके इन बच्चों की हिफाजत नहीं करेंगे ना, तो ये फिर इनका, फिर ये एक डिजास्टर की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने अपना मतलब ये कि हम नहीं आए और उनको तालीम नहीं दी ना, तो ये गलत रास्ते की तरफ भी जा सकते हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात है।